गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एसएन स्कूल अजमेर। टुडे वी रीड चैप्टर नंबर 30, 31 एंड 34। सुनो स्टार्ट। चैप्टर 30 नेम इज वाटर बॉडीज। इस चैप्टर में हम वाटर बॉडीज के बारे में रीड करेंगे। बच्चों, आवर अर्थ इज कवर्ड विद द लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज। जो हमारी जो अर्थ है वह लैंड फॉर्म एंड वाटर बॉडीज से कवर्ड है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज कितने टाइप्स की होती है। कैन यू आइडेंटिफाई सर्किल देम इन द वर्ड ग्रिड। आपको नीचे ग्रिड दिया हुआ है, उनको आपको सर्किल करना है। फर्स्ट है ओशियन, सेकंड रिवर, थर्ड लेक, फोर पॉन्ड और फिफ्थ वाटरफॉल। ओशियन मीन्स महासागर, रिवर मीन्स नदियाँ, लेक मीन्स झील, पॉन्ड्स मीन्स तालाब एंड वाटर फॉल मीन्स झरने। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 31 रीड करेंगे। चैप्टर 31 नेम इज फेमस हिल स्टेशन। इस चैप्टर में हम फेमस हिल स्टेशंस के बारे में रीड करेंगे। हिल स्टेशंस आर टाउन लोकेटेड इन हिल्स और माउंटेंस। जो हिल स्टेशंस होते हैं वह हिल्स और माउंटेंस के टाउन में बसे हुए रहते हैं। देर आर मैनी बिग एंड स्मॉल हिल स्टेशंस। वहाँ पर कहीं बड़े और कहीं हिल स्टेशन स्मॉल स्टेशन। भारत में कई बड़े और स्मॉल हिल स्टेशंस हैं। मे दिस फेमस हिल स्टेशन विद द स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड। बच्चों, आपको नीचे कुछ फेमस हिल स्टेशंस और स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। ये हिल स्टेशन किस स्टेट्स में है उनको आपको मैच करना है। फर्स्ट शिमला, शिमला में कौन सा है। शिमला जो हिल स्टेशन है यह कहाँ पे है बच्चों, हिमाचल प्रदेश। सेकंड गंगटोक, गंगटोक जो है हिल स्टेशन वह सिक्किम में है, सिक्किम स्टेट्स में है। थर्ड मुनार, मुनार जो है वह केरला स्टेट्स में है। फोर माउंट आबू, माउंट आबू हिल स्टेशन जो राजस्थान में है और राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। माउंट आबू सिरोही से समथिंग 25-30 किलोमीटर दूर है और माउंट आबू में गुरु सीकर एक माउंटेन है जिसकी हाइट 727 मीटर है। फिफ्थ महाबलेश्वर, महाबलेश्वर जो हिल स्टेशन है वह महाराष्ट्र में है। सिक्स दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो बच्चों, आज हमने फेमस स्टेशन के बारे में रीड किया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 34 रीड करेंगे। चैप्टर 34 नेम इज आवर सेंस ऑर्गेन्स। द ऑर्गेन्स ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प अस टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस आर नोन एज सेंस ऑर्गेन्स। द ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प, इन ऑर्गेन्स की सहायता से, विच हेल्प अस टू ऑब्जर्व अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस आर नॉन एज सेंस ऑर्गेन्स। हमारी बॉडी में कौन कौन से सेंस ऑर्गेन्स होते हैं इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। आपको लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम ए में पिक्चर्स दी हुई है ऑर्गेन्स की, और कॉलम बी में आपको जो ऑर्गेन है उनके बारे में बताया हुआ है। तो फर्स्ट पिक्चर इज ई मीन्स आईज, सेकेंड ईयर, थर्ड नोज, फोर्थ टंग, फिफ्थ स्किन। क्वेश्चन नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट आई डैश विथ माई नोज। हम नोज की सहायता से क्या कर सकते हैं बच्चों, आई स्मेल विथ माई नोज। सेकेंड आई डैश विथ माई हैंड्स। आंसर इज टच, टी ओ यू सी एच। थर्ड आई डैश म्यूजिक विथ माई ईयर्स। हम ईयर्स की सहायता में म्यूजिक क्या कर सकते हैं बच्चों, सुन सकते हैं। फोर आई डैश फूड विथ माई टंग। हम जीभ की सहायता से, टंग की सहायता से हम खाने का स्वाद, खाने को टेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ आई डैश द ब्यूटीफुल वर्ल्ड विथ माई आईज।
आइज की सहायता से हम देख सकते हैं इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को। तो बच्चों आज हमने चैप्टर 30, 31 और 34 रीड किया, आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे।